22 दिन से खराब पड़ा ट्रांसफार्मर, अंधेरे में रहने को मजबूर वार्डवासियों ने चाबी पर घर पर किया प्रदर्शन। शिवपुरी शहर के वार्ड क्रमांक 1 बछौरा के निवासी बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से 22 दिन से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वार्डवासियों द्वारा इस संबंध में बिजली कंपनी के अधिकारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरन 9 वर्ष की सुबह बिजली नहीं होने से परेशान वार्डवासियों ने शहर के चाबी घर पर प्रदर्शन कर बिजली ट्रांसफार्मर बदले जाने की मांग की है। सुनिए क्या कुछ कहा वार्डवासियों ने। क्या नाम है आपका? गजराज कुशवाहा। कौन सी जगह से आए हो? वार्ड नंबर 1 बछौरा। क्या समस्या है आपको? डीपी नहीं है साहब, परेशानी है बिजली। कब से नहीं है? 22 दिन हो गए। तो ये क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? साहब रोज बोल देते कल रखवा लो, परसों रखवा लो, रखवाए थे नीचू रखवा लो, नीचू रखवा लो, जबकि यही बात चुनाव टाइम पे तीन तीन बार डीपियां रख रही थी। जब मैंने बताया 90 लाख रुपए बिल गांव में, आज बता रहे हैं उसको क्या 1 महीने में 90 लाख रुपए बिल हो गया हमारे गांव में, जब कोई बिल नहीं था। चुनाव के टाइम फुलाई अभी कोई आश्वासन नहीं दिया कि कब रखे। आश्वासन नहीं दे रहा था, मजदूर आदमी है, यही साहब बोले, यही साहब कह रहे हैं कि हमें ही नहीं यहाँ पे छुट्टी पे गए। कल आए तो कल का बोल दिया, आज हुए नहीं। 22 दिन से लगातार संपर्क कर रहे हैं और लगातार आदमी साहब जी मजदूरी करें, बच्चों को पालें, यहाँ पे चक्कर लगाए। जे सब लोगों की जवाबदारी मैं ले रहा हूँ, एक का नाम बता दो किसका बिल जमा नहीं है, एक का बता दो। 50 लोग हैं यहाँ पे और 100 कनेक्शन है, इसमें से 50% कनेक्शन बिल जमा है यहाँ पे। इतने सब जो है सबके बिल जमा है, और जो लिस्ट दिया है सिग्नल बता दो किसका बिल जमा नहीं है। जो लिस्ट दिया सर वो दूसरी दे रही कि जी आपके कनेक्शन जमा कराना है, सर के कनेक्शन हमारा है, वो काम विद्युत विभाग का है, विद्युत विभाग उसको ले कोर्ट केस करे जो जमा नहीं कर रहे उनपे, वो उनका काम है, हमारा काम थोड़ी है। अगर हम काम करेंगे जब बिल नहीं ले पा रहे तो क्या करें? सर अगर आज डीपी जती नहीं है तो हम अपने अभी तो केवल जेंट्स जेंट्स आए हैं, पूरे गांव की लेडीज वगैरह सब आएंगे, चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन होगा साहब।